आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन है, लैपलैंड एक सांस्कृतिक प्रदेश है जो अधिकांशतः स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के उत्तर में उत्तर ध्रुवीय वृत्त है। लैपलैंड में किन्होंने निवास किया? तो यहाँ पे जो लैपलैंड की बात हो रही है, पहले अपने इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि कहाँ स्थित है। यह यूरोप के उत्तर में स्थित है, यूरोप के उत्तर में स्थित है, ठीक है। दूसरा ये क्या है, यह एक टुंड्रा क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? यह एक टुंड्रा क्षेत्र है। टुंड्रा क्षेत्र में क्या रहती है? बर्फ जमी रहती है, तो यह एक टुंड्रा क्षेत्र है। और इसमें जो अब इसमें पूछा गया कि इसमें जनजाति कौन सी रहती है, तो यह एक सांस्कृतिक क्षेत्र भी है, सांस्कृतिक क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र। अगर इसमें रहने वाली जनजातियों की बात करें तो इसमें सामी जनसमूह के लोग रहते हैं, सामी जनजाति रहती है, सामी जनजाति रहती है इस क्षेत्र में। और यह जो क्षेत्र है ये चार देशों में फैला हुआ है, यह जो क्षेत्र है वो चार देशों में फैला हुआ है, जैसे नॉर्वे हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस। ये चार देशों में यह क्षेत्र फैला हुआ है। यहाँ पे सामी जनजाति रहती है, यह एक सांस्कृतिक क्षेत्र है। और ये कैसा क्षेत्र है? टुंड्रा क्षेत्र है, यहाँ पे बर्फ बहुत अधिक पाई जाती है, ठीक है। और यह है सफेद सागर से और जो नॉर्वेजियन सागर है उससे घिरा हुआ है। अब अपने यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है सामी जन, अदोक जन, हमार जन और हिम्बा जन। तो जो ये लैपलैंड है यहाँ पे सामी जन जो जनजाति है वो पाई जाती है, सामी जो लोग होते हैं वो यही पर ही रहते हैं। तो अपना जो पहला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।